हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 से, चैप्टर लिया है रिलेशन एंड फंक्शन। इस वीडियो में हम आपको रिलेशन चैप्टर का जो पूरा कांसेप्ट है वो सिखाएंगे, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करके देंगे, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे और जो लास्ट ईयर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए 4 मार्क्स के वो सारे होंगे। ये जो पूरा चैप्टर है वो 5-6 वीडियोस में आएगा, जिसमें कांसेप्ट और सारे बढ़िया क्वेश्चंस करके दिए जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में थोड़ा कंसेप्ट सिखाते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें मैंने एक एग्जांपल आपको लिया हुआ है और प्रूव करने के लिए बोला है कि शो दैट द गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले समझाता हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, ठीक है, और इसको प्रूव कैसे करते हैं। अब आपको एक सेट दे दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है, ए, बी और सी, ठीक है, और एक रिलेशन बनाकर दिया है जिसमें से कुछ एलिमेंट्स का सेट आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कीजिए। तो अब नियम समझते हैं, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। उसमें पहली कंडीशन है कि वो रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, ठीक है, वो रिलेशन होना चाहिए सिमेट्रिक। इन सब की अलग अलग कंडीशन है, समय आपको वन बाय वन समझाऊंगा अभी। और तीसरा वो फुलफिल करे ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो यस, वो रिलेशन आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब क्या होती है कंडीशन रिफ्लेक्सिव की वो देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एलिमेंट ए बी सी है आपके सेट ए में, तो अगर गिवन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है तो आपके पास इस रिलेशन में ए एलिमेंट का ए ए, फिर बी एलिमेंट का बी और बी, और सी एलिमेंट का सी और सी, तीनों होने जरूरी है। फिर समझ लीजिए, अगर ए बी सी तीन एलिमेंट, अगर एबीसी 3 एलिमेंट है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब a, b, b, c, c आपके इस गिवन रिलेशन में मौजूद होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए a, a है, b, है और c है। अगर इनमें से कोई एक भी कम होता, मान लीजिए a, a होता और b, b होता लेकिन c, नहीं होता, तो लिख देते नो द गिवन रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि तीनों मौजूद है तो यस द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ध्यान समझिएगा, जितने एलिमेंट आपको गिवन है सेट ए में, उन सभी का सेम पेयर आपके रिलेशन में गिवन होना चाहिए, तो रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। तो अब इस रिलेशन को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करें? सिमेट्रिक प्रूव करने का तरीका होता है कि जो 3 एलिमेंट ए बी सी है और जो रिलेशन आपको गिवन है उसमें किन किन चीजों का होना जरूरी है। देखिए क्या कि अगर आपके रिलेशन में लिखा हुआ है कहीं पर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका रिवर्स आपके रिलेशन में जरूर होना चाहिए अगर ये सिमेट्रिक है। तो देखिए ए बी है आपके पास, तो ये तो गिवन कंडीशन है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए रिवर्स का होना जरूरी है। तो देखिए बी ए होना जरूरी था, सॉरी इस रिलेशन में बी ए नहीं है, तो लिखेंगे सिंस बी ए Not belongs to R, therefore the given relation is not symmetric. और अगर एक no हो गया तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, symmetric ये हो ही नहीं सकता। कुछ और देख लेते, मान लीजिए हम AB का चेक करके हम चेक करते BC, cyclic होना चाहिए बिल्कुल BC। तो देखिए अगर BC है तो CB का होना जरूरी था, तो CB का होना जरूरी था बिल्कुल है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक ऑलरेडी हम मना कर चुके हैं, इसका मतलब अगर हम और रिलेशन यस बैठ भी रहे हैं तो उससे फायदा नहीं है, एक नो हुआ तो पूरा का पूरा रिलेशन हम सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये फिनिश हुआ हमारा सिमेट्रिक। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर आपके 3 एलिमेंट ए बी सी में ये 2 रिलेशन पहले से बने हुए हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये दो कंडीशन तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? जब लिखा होगा ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देख लेते हैं। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ये ठीक है, तो गिवन रिलेशन भी हो गया ट्रांजिटिव। इसे फिर समझते हैं, पहली जो 2 कंडीशन है वो क्वेश्चन में मौजूद होनी चाहिए थी, तभी आप AC belongs to R वाली कंडीशन को यस या नो करेंगे देखकर अपने रिलेशन के अंदर। अगर मान लीजिए इन ये दोनों रिलेशन में कोई एक रिलेशन ही मौजूद नहीं है तो फिर तीसरा वाला चेक ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट कि गिवन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है या नहीं। अब इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिख दिया है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कि लाइन L1 L2 के अगर ये पैरेलल है, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कर दिए। अब मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन कंडीशंस का यस होना जरूरी है। तो पहली कंडीशन क्या थी, बोथ ही रिफ्लेक्सिव, फिर दूसरी थी सिमेट्रिक और तीसरी थी ट्रांजिटिव। ठीक है, अब पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि दोनों एलिमेंट एक जैसे लेते हैं, ए ए बी बी सी सी डी डी। अब दिक्कत है यहां वो एलिमेंट फॉर्म तो है नहीं, यहां तो लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2 जैसी कोई कंडीशन है। तो ध्यान रखिएगा जो पहली लाइन वाला है उसी को सेम रखना है। कैसे, हियर लाइन L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू लाइन L1। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लाइन अगर मैं L1 डालू तो ऑब्वियसली बात है ये लाइन अपने आप की तो पैरेलल होगी ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि पैरेलल का मतलब तो होता है कि दो लाइनों की बीच की दूरी हर इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, जबकि लाइन L1 तो लाइन L1 के सिर्फ ओवरलैप कर सकती है, उसके ऊपर सुपरइंपोज करते हैं, तो पैरेलल कैसे हो गया ये समझ लीजिएगा। हमारे लिए पैरेलल का मतलब होता है सुपरइंपोज, ओवरलैपिंग, ये दोनों ही वर्ड पैरेलल डिनोट करते हैं। क्योंकि जैसे कि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन होता है दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ओवरलैपिंग लाइन के लिए भी आप क्या कह सकते हैं दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू ओवरलैपिंग लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट दैट इज जीरो। उनके बीच की जो दूरी है वो जीरो है, जो कि हर इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे जीरो रहेगी। तो ओवरलैपिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन सब पैरेलल लाइन की हमारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लाइन वन जो लाइन L1 है वो लाइन L1 के पैरेलल बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दोनों ही आपको यहाँ L1 L1 लेने हैं, रिफ्लेक्सिव है ना, दोनों लेटर सेम होने चाहिए। तो L1 is always parallel to L1, hence the given relation R is reflexive. अब सिमेट्रिक में क्या है कि अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है, ये बात तो यस है क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका रिवर्स यस होना चाहिए, मतलब कि L2 फिर L1 के हमेशा पैरेलल हो। तो देखिए एक समझ के देख लेते हैं एक फिगर के थ्रू कि अगर लाइन L1 बिल्कुल पैरेलल है L2 के, ये वाली बात गिवन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए सिमेट्रिक ये तब कहलाएगा जब इसका रिवर्स अपने आप यस आ जाए। तो समझिए कि अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो यस हमेशा लाइन L2 फिर L1 के पैरेलल ही होगा। तो कैसे लिखेंगे, हियर लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, देन चेक करिए रिवर्स यस होगा, बिल्कुल होगा, तो लिखेंगे देन L2 is always parallel to L1। ठीक है, तो अगर पहला पार्ट यस है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसका रिवर्स यस हो जाना चाहिए। अगर रिवर्स यस हो रहा है तो यस द गिवन रिलेशन R is symmetric, नहीं हो रहा है तो मना कर दीजिए। अब ट्रांसिटिव क्या कहता है, देखिए कि इफ लाइन L1 is parallel to line L2 and line L2 is parallel to line L3। हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रांसिटिव पे तीसरा केस इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन यस हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो देखो मैं बताता हूं, लाइन L1 is parallel to line L2, ये यस है। लाइन L2 is parallel to line L3, ये भी यस है। तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव तब होगा जब लाइन L1 लाइन L3 के पैरेलल हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो पक्की बात है कि L1 हमेशा पैरेलल होगी L3 के। तो लिखा इफ L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3 देन L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L3। ठीक है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन R इज ट्रांसिटिव। तो आपको पता चला कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला और ट्रांसिटिव भी निकला, तीनों ही यस हो गए। तो देयरफॉर यस द गिवन रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया है कि प्रूव दैट द ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पहले बता देता हूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं।
congruent triangles are those which have same shape and same size. तो कह सकते हैं कि they can easily superimpose on each other, they can overlap on each other. ठीक है, वो congruent triangles होते हैं. अब इसी बात को आपको reflexive symmetry को translate करना है, क्योंकि equivalence की वही तीन condition होती हैं. पिछले example में बताया था. तो चलिए अब reflexive की बात करें. तो reflexive में दोनों letter एक जैसे. अब यहाँ दो letter तो है नहीं, है तो दो triangle है. तो क्या करेंगे कि triangle one is congruent to triangle one. तो कैसे लिखेंगे reflexive के लिए कि triangle one is always congruent to triangle one, क्योंकि दोनों ही कंडीशन एक जैसी लेनी होती है रिफ्लेक्शन में. तो पक्की बात है कि ट्रायंगल वन हमेशा ट्रायंगल वन के कॉन्ग्रुएंट होगा, दे कैन सुपर इंपोज ऑन ईच अदर. तो पहला कंडीशन यस हो गया, देयरफॉर द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव. तो चलिए सिमेट्रिक की तरफ चलते हैं कि इफ ट्रायंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टू, ये बात यस है, क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको तो इसका रिवर्स यस करना है. तो देख लेते हैं, अगर ट्रायंगल वन congruent है triangle 2 के, ये बात अगर question में given है आपको, तो पक्की बात है triangle 2 हमेशा congruent होगा triangle 1 के. तो congruent triangle की तो property होती है कि both the triangles have same shape and same size. तो लिखेंगे if triangle 1 is congruent to triangle 2, then triangle 2 is always congruent to triangle 1, therefore the given relation R is symmetric. चलिए क्रांसिप बताते हैं. अब क्रांसिप क्या होगा, यहां पर दो केस पहले लेने पड़ेंगे यस वाले. तो कैसे देखें कि ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, ये बात यस है. ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, ये बात भी यस है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो यस होती ही है. हमें तो थर्ड बात यस करनी है, क्या कि क्या ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल 3 के. तो यस ऑब्वियसली होगा कि अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सुपरइंपोज कर रहा है और दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल को सुपरइंपोज कर रहा है, तो की बात है कि पहला और तीसरा भी सुपरइंपोज करेंगे या तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगे. लिखेंगे यस ट्रायंगल 1 इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन आर इज ट्रांसिटिव. अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी यस हो गया, सिमेट्रिक भी यस हो गया, ट्रांसिटिव भी यस हो गया, देयरफॉर द गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, थोड़ा टफ साइड पर क्वेश्चन है. He proved that x minus y is divisible by n is an equivalence relation in which the relation R is a set of all integers. ठीक है, तो यहाँ पर जो x और y ये दोनों integral value आप ले सकते हो. ठीक है, और prove करना है कि ये divisible by n है. इस बात को prove करना है equivalence relation. अब equivalence relation के तीन हिस्से, reflexive, symmetric और transitive. तो सबसे पहले reflexive की बात करते हैं, पहली condition बताते हैं. तो reflexive क्या होता है कि दोनों letter एक जैसे लिखे, तो क्या लिखेंगे कि x minus x is always divisible by n. वो कैसे देखिए, x minus x क्या होगा, 0, 0 is always divisible by n. अब दिक्कत ये है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है इंटीग्रल जिसको जब आपस में दोनों सेम नंबरों को माइनस किया जाए तो वो कभी ऐसे ना जाए, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता. क्योंकि मान लीजिए कोई वैल्यू ले लिया इंटीग्रल, टेक इट 4, तो 4 minus 4 is 0, 0 is always divisible by n. ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर minus 2 ले लीजिए, तो minus 2 minus of minus 2, that is minus 2 plus 2, again 0, 0 is again divisible by 2. तो आप लिखेंगे here x minus x is always belongs to R when x belongs to integer. ठीक है, तो किसी भी integral value के लिए ये condition हमेशा yes होगी. Hence, R is reflexive. ठीक है, अब चलते हैं symmetric की तरफ. Symmetric क्या कहता है, symmetric कहता है कि if x minus y is divisible by n. अब जैसे proper लिखिए, x minus y is equal to lambda times of n. Lambda times का मतलब कि जब ये डिविजिबिलिटी वाला जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें हटाना होता है और एक इक्वल टू लगाना होता है, तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वहां कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया, लैम्डा. तो ध्यान रखिएगा कि x minus y is equal to lambda n, और ये कंडीशन यस है आपको. ठीक है, आपको इसका रिवर्स यस करना है. तो इसका कंडीशन ऐसा हो गया कि x minus y is divisible by n, lambda के बराबर है. तो देखिए इसका रिवर्स यस होगा कि नहीं. तो मैंने लिखा
माइनस ऑफ y माइनस x इज डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लैम्डा। मैंने क्या किया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस कॉमन ले लिया तो मैंने लिख दिया y माइनस x। तो y माइनस x तो रिवर्स यस हो रहा है, लेकिन ये माइनस आ गया तो क्या फर्क पड़ता है इस माइनस को उधर ले जाइए। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, y माइनस x इज डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा। तो कहने का मतलब है कि जो n x माइनस y को डिवाइड कर रहा था, अब वही n y माइनस x को भी डिवाइड कर रहा है। आप ऐसे समझ लो इस बात को कि अगर n 4 को डिवाइड करता है तो पक्की बात है वो माइनस 4 को भी करेगा। आंसर में क्या हुआ, सिर्फ माइनस 4 ही तो आया आपके पास, एक माइनस इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा। तो लिखेंगे यस द गिवन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अब इसे प्रॉपरली स्टेप में आपको लिख देता हूं, x माइनस y इज डिविजिबल बाय n, हटाइए डिविजिबिलिटी का साइन और इक्वल टू लगाइए और एक कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस कीजिए। अब इसका रिवर्स करना है तो रिवर्स लिया तो एक माइनस को बाहर करना पड़ा, ठीक है। अब देखो जरा, तो y माइनस x n को नीचे ले आइए और इस माइनस को लैम्डा के पास ले जाइए। तो देखिए जो x माइनस y n से डिवाइड हो रहा था, इसको अगर ऐसा चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, अब वो उसका रिवर्स भी n से ही डिवाइड हो रहा है, ये बात मैंने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन r इज सिमेट्रिक फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बस For all x and y belongs to integer. बस ये बात आपको लिखना था। थर्ड पार्ट देखते हैं, ट्रांसटिव वाला। अब ट्रांसटिव में क्या है कि if x minus y is divisible by n, properly लिखी equal to लगाकर, तो x minus y is equal to lambda times of n, equation one, and y minus z is again divisible by n, ये भी दोनों given condition है, yes होनी चाहिए। तो y minus z is equal to नया कांस्टेंट ले लीजिए कुछ, यहाँ वाले मैंने ले लिया a, a times of n और second equation 2, अब add कर दीजिए first equation और second equation को। तो देखिए x minus y plus y minus z is equal to lambda n plus a n, अब minus y plus y चला गया, तो x minus z n common lambda plus a, x minus z n नीचे आ गया lambda plus a। तो देखिए अगर x minus y n से डिवाइड हो रहा है और y minus z भी n से डिवाइड हो रहा है, तो नियम कहता है x minus y n से डिवाइड हो रहा है, y minus z n से डिवाइड हो रहा है, तो नियम कहता है कि x minus z भी n से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए वो मेरा प्रूव हो गया है। तो ये लिखने का जो पैटर्न है ये आपको ध्यान रखना है। therefore relation r is transitive for x y z belongs to integer, ठीक है। बस ये तरीका क्लियर हुआ। तो क्योंकि हमने तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव प्रूव कर दिए, तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही, अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो हम काफी जल्दी आपको बना के देंगे उसमें सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे एग्जांपल्स ही होंगे। तो आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक भी कर दें, और आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है अगर किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे।